Almantasha Realty presents yet another masterpiece set in the heart of Mumbra that promises to elevate your lifestyle. Welcome to The Universe, a residential tower that offers more than just four walls. This project offers you your own space, your own universe wrapped in these spacious 1 and 2 BHK apartments that are meticulously designed and smartly planned. Find all modern specifications that are specifically curated for you here. Here you are offered your own space, your own universe. कांदा हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कलवा मुमरा कौसा शीर दीवान सब तरफ तोरण का मुद्दा फिलहाल गरमाया हुआ है। फिर एक बार लोगों में तोरण को लेकर के काफी अलग अलग तर्क वितर्क और काफी धारणाएं चल रही है। सबसे पहले आपको बता दूं कि लगभग 2 या 3 माह पहले तोरण ने खुद एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी। कलवा मुमरा कौसा शील इस पूरे परिसर में दीवा मिलाकर के इस पूरे परिसर में 30,000 मीटर फॉल्टी होने की बात कही थी और उसकी जांच करने का ऐलान किया था, उस पर कार्रवाई करने की बात की थी। मगर छिटपुट कार्रवाइयों के अलावा ऐसा नहीं लगता है कि टोरंट ने कहीं बड़ी कार्रवाइयां की है और जहां जहां बिजली चोरी, मीटर टेम्परिंग, मीटर सेटिंग या फॉल्टी मीटर खोज करके उसको बिल्कुल जो है एक प्रोसेस के तहत कानूनी तौर पर से बदलना चाहिए वो बदला हो। ऐसे में ही अब टोरंट ने कार्यपद्धति शुरू की है समूचे मीटर बदल देना। एक अगर इमारत में 50 मीटर लगे हैं, किसी कॉम्प्लेक्स में 100, 200, 150 मीटर लगे हैं तो वो पूरे बदल देना। अभी इसी मुद्दे पर मुमरा के एक आम नागरिक ने आवाज उठाई है। 10 सितंबर शनिवार को कौसा कादर पैलेस स्थित नौशीन प्लाजा में ये मीटर बदलने का काम किया जा रहा था। उसी दौरान अपने मीटर को लेकर के वहां के निवासी हुमायूं मुकरी ने अपनी आवाज उठाई। क्या कहना है, हुमायूं मुकरी का मुद्दा क्या है, इसका एक वीडियो उन्होंने उस वक्त बनाया था जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इन पूरे टोरंट के अलग अलग कारणों के बीच में हुमायूं मुकरी का मुद्दा क्या है उस पर हम हुमायूं से बात करते हैं। हुमायूं, क्या मतलब उस दिन क्या मामला था, क्या कहना चाह रहे थे तुम? असल में क्या हो गया था, ये लोग ने जब बिल भेजे थे तो उसके साथ एक नोटिस भेजे थे, तो सोसाइटी में डिसाइड हुआ था क्या करने का। तो मैंने सोसाइटी को मना किया था कि हम लोग तो मीटर चेंज करने देंगे नहीं। तो सोसाइटी वाले बोले चले देखेंगे क्या होता है। तो 2-3 दिन के बाद अचानक वो लोग आ गए, मैं घर में था नहीं। तो 1 घंटे के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि भाई लोग ने ऐसा ऐसा कर दिए कि पूरे 50 के 50 मीटर चेंज कर दिए। अच्छा, तो मैं 1 घंटे के बाद वहाँ पूछा तो जब तक कार्रवाई हो चुकी थी। तो मैंने बोला भाई मेरा मीटर क्यों चेंज किया, तो बोले भाई वो असल में हमारा रूल है, बोले कि सब मीटर पुराने हो चुके हैं इसलिए हम लोग उसको सबको चेंज कर रहे हैं। तो मैंने ठीक है, अगर मेरा मीटर पुराना था, अगर उसके अंदर कुछ फॉल्ट था या XYZ मैंने टेम्परिंग किया है या कुछ गड़बड़ किया है तो आप उसको चेक करो, और चेक करके अगर वो ओके है तो उसको चेंज क्यों कर रहे हो, अगर ओके नहीं है, अगर उसमें कुछ कांड है तो मेरे पर केस करो, मेरे पर फाइन मारो। अगर आप मेरा ओके मीटर है तो चेंज करने का आपको कोई हक नहीं है। मैं बोला अगर हक है तो मेरे को कोर्ट का लेटर बताओ या आपका कोई सिस्टम है वो मेरे को बताओ। आपका कोई रूल नहीं बनता कि आप 50 के 50 मीटर एक साथ चेंज कर दोगे। मैं अपनी बात कर रहा था तो वो मेरे से बहस बहुत हो गई, 1.5 घंटे तक बहस चली। उसने एक ऑफिसर बुलाया, 2 ऑफिसर बुलाया, 3रा बुलाया, 4था बुलाया, लेकिन मैं माना नहीं। मैं बोला देख भाई, जो मैं अपना 15 साल से लीगल चल रहा हूँ तो मैं अपना मीटर क्यों चेंज कराऊँ। अगर मेरा मीटर चेक करो, अगर फॉल्टी है तो चेंज करो, मैं मना नहीं कर रहा चेंज करने, अगर फॉल्टी है तो चेंज करो। बहुत उज्जत हुई, बहुत बहस हुई, बहुत मतलब मुँह मारी हुई उन लोगों के साथ मेरी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। तो मैंने उन लोग को एक ऑप्शन के तौर से बोला कि पूरे मुमरा में अगर कोई सेटिंग से मीटर चला रहा है और वो AC यूज़ कर रहा है, XYZ मोटर यूज़ कर रहा है या जो भी यूज़ कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो तुमने उसको और मेरे साथ तो कोई इंसाफ नहीं किया। क्योंकि अगर मैं तो लीगल चल रहा था, दोनों के लिए एक नज़रिया है, दोनों के लिए एक नज़रिया होना चाहिए था, होना चाहिए था, लेकिन वो लोग ने नहीं किया वैसा। अच्छा, वो लोग ने क्या किया, जो इनलीगल था उसका भी मीटर चेंज किया और जो मैं लीगल था मेरा भी मीटर चेंज कर दिया। तो एक जैसी कार्रवाई गलत है ना? हाँ गलत है ना, एकदम फर्क होना चाहिए। तो उसके लिए मैं बहुत लड़ा वो लोग से, बहुत बोले तो बहुत हद से ज्यादा लड़ा। वो लोग मेरे को बहुत डराने की कोशिश की, बहुत डराया मेरे को। और उसके अंदर मैं और मेरा भाई था साथ लड़ने के लिए, सिर्फ मैं मेरा मुद्दा मेरे मीटर के लिए लड़ रहा था क्योंकि मेरे को पूरे मुमरा का मालूम नहीं है क्या है और क्या नहीं है। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि पूरे मुमरा में इनलीगल लाइन चलती है। तो आप भी जब पहले एक वीडियो न्यूज़ मैंने देखा था कि वो लोग बोले कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो मेरे को जान ये चली कि भाई मैं तो लीगल चल रहा था तो मेरे पर क्यों कार्रवाई हुई।
अगर मैं टोरेंट का मीटर भर के आज मैं 1200 1500 1800 बिल भर रहा हूँ, टोरेंट लगने के बाद अगर मेरे को 2000 2500 बिल आएगा तो मैं कहाँ से भरूंगा? मैं गरीब आदमी हूँ तो मैं वो कहाँ से भरूंगा? मैं उसके लिए बहुत फाइट किया। वो फाइट करने के बाद 1.5 घंटे के बाद वो लोग ऐसा समझ में आया कि भाई इसके साथ गलत हो रहा है, तो वो लोग ने सिर्फ मेरा चेंज किया तो भी मैं भड़क गया। मतलब अब क्यों चेंज कर रहा है जब तेरे पास, तू बोला मेरे पास इसका पावर है, अथॉरिटी है, तो अब क्यों चेंज कर रहा है? इसका मतलब तू गलत है। वही पुराना मीटर वापस लगाया, वापस लगा दिया वो लोग ने। तो मतलब अब फिर मैं वापस लड़ा कि मतलब अब तूने वापस क्यों बदली किया, जब पहले तेरे को राइट था हटाने का, तो अब राइट कैसे आया वापस लगाने का? इसका मतलब तुम लोग गलत काम कर रहे। मेरा जो तुम लोग के समझ में आ रहा है, तुम लोग वो काम कर रहे, और उसने वो काम किया। जब उसने मेरा मीटर लगा दिया तो लोगों ने मेरे को समझाया, बोले भाई जाने दो, बोले अब कैसा है क्या गेहूं के साथ में चावल भी पीसा जाएगा, सब पीसा जाएगा, तो फिर मैं साइलेंट हो गया। मेरा जान दो मेरे वजह से किसी को तकलीफ ना हो, तो मैं अपना साइलेंट हो गया। वो लोग ने, मैं फाइट किया तो मेरा मीटर वो लोग ने मेरे को लगा के दे दिया। हुमायूं भाई, आपका मुद्दा था 15 साल से मैं ईमानदारी से बिल भरता हूँ, मेरा मीटर टेम्पर नहीं है, फॉल्टी नहीं है, सेटिंग वाला नहीं है, है तो चेक करके बदलना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। वैसा न करते हुए इन्होंने सबके एक साथ मीटर बदल दिए। तो मुमरा कौसा के लगभग 1 लाख से ज्यादा कंज्यूमर है, बिजली के उपभोक्ता है, तो ये इनमें जितने भी ईमानदार हैं, जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बिल बाकायदा भर रहे हैं, अगर उनके भी मीटर चेंज होने की प्रोसेस की गई है, की जाने वाली है, की जा रही है, ये तीनों स्टेज में ऐसे ईमानदार ग्राहकों से, जैसे आपने अपना पुराना मीटर वापस लगवा के लिया, तो ऐसे ईमानदार ग्राहकों से क्या कहेंगे? ये आपने बहुत अच्छी बात बोले रफीक भाई, कि जो बेचारे ईमानदार है ना, वो इतने सीधे है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं ना, तो उनके डर से वो अपनी भी आवाज़ नहीं उठा रहे। वो सोच रहे यार अभी मैं कुछ बोलूंगा तो उसकी चिकिंग आ जाएगी, उसको फाइन लग जाएगा, तो वो बेचारा डर के मारे उसको चेंज करने दे रहा है। क्योंकि हर आदमी सुबह काम पे जाता है, रात को आता है, घर में कोई रहता नहीं है। अभी जैसे मैं फ्री था तो मैं आ गया, अगर मैं काम पे रहता तो मेरे भी लग जाते थे। तो प्रॉब्लम ये आ रहा है, जो बेचारा सीधा आदमी है, जो लीगल चल रहा है, उसके ऊपर भी जुल्म हो रहा है। तो टोरेंट वाला अगर इंसाफ कर रहा है तो सबके साथ सही इंसाफ करे, जो बेचारा सीधा है उसको नहीं करे ना, गलत काम नहीं करे उसके मीटर साथ। फॉल्टी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उन मीटरों को चलने दिया जाए, क्योंकि नया तुम बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं है, मैं बोलता चेक करो मेरा मीटर और बदल दो, बदल। अगर मेरे मीटर में फॉल्ट है तो तुम बदल दो, सिलो है, बदल दो, प्रॉब्लम है, मेरे पर केस कर दो। जिन मुद्दों को, जिन सवालों को आपने चेकिंग के दौरान और मीटर रिप्लेस के प्रोसेस के दौरान खड़े करके अपना पुराना मीटर लगवाया, तमाम ईमानदार ग्राहकों को, कमिटेड ग्राहकों को इसी तरीके के मुद्दे उठाने चाहिए। बेशक ऐसे ही सवाल करने चाहिए। बेशक आप यकीन मानेंगे, जब मैंने ये बातें किया, मेरे घर से मेरे को सपोर्ट नहीं मिला। अच्छा, मेरी अम्मी मेरे को चिल्लाई, मेरी बहन मेरे को चिल्लाई, मेरा बहनोई मेरे को चिल्लाया, मेरा भाई मेरे को चिल्लाया, बोले तू क्यों कर रहा है ऐसा, बोले ये लोग तेरे वजह से दूसरे को प्रॉब्लम होएगा, कल को हो सकता है ये लोग तेरे ऊपर केस कर देंगे, हो सकता है कोई नेता लोग तेरे ऊपर पीछे लग जाएंगे। तो मैं थोड़ा डर गया, लेकिन मैं बोला देखा जाएगा इंशाल्लाह। मेरा मरना है तो डट के मरेंगे ना, मेला मर मर के क्यों मरेंगे, मैं बोला। बिल्कुल। तो लोग डर के मारे बोलते नहीं है हर काम, यकीन मानो। मेरे को गलत लगता है, मैं गलत बोलता हूँ, इसलिए मैं ना किसी के सपोर्ट में नहीं रहता कि चाचू मेरे साथ आएंगे क्या, फला मेरे साथ आएगा। मैं, अल्लाह मेरे साथ में है, अगर मेरे साथ गलत होना है तो होगा, अच्छा होना है तो अल्लाह मेरी मदद करेगा। तो जो सही आदमी है, जो मुमरा में लीगल चल रहा है, तो प्लीज आवाज़ उठाओ। अगर आप सही हो तो आवाज़ उठाओ, तो आवाज़ उठाओगे तो इंसाफ मिलेगा, बिना आवाज उठाए इंसाफ आपको नहीं मिलेगा। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ कि भाई इसका करो उसका करो, मैं मेरा देख रहा हूँ कि मेरे को मेरा लाइन सीधी चाहिए। बस मेरे को किसी नेता, किसी नगर सेवक या किसी सोशल वर्क या किसी मीडिया वाले को या किसी पॉलिटिकल टोटल पार्टियां जो है कोई, मेरे को किसी से कोई लेना देना है, मेरे को सिर्फ मेरे घर का मुद्दा है कि मैं 15 साल से लीगल भर रहा हूँ तो मेरे ऊपर घात क्यों गिरी, क्योंकि मेरे को टोरेंट का मीटर नहीं चाहिए। बस मेरा मुद्दा ये, और इसके अलावा मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। बस सुनो, चेयरमैन के घर में आके हमारे आ रहा है क्या? नहीं, चेयरमैन है इधर। हाँ, सुनो ना मेरी बात, मैं लड़ रहा नहीं हूँ, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप आए ना मेरे को आंसर देने के लिए, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे को आंसर दो कि ये मीटर आप जो लगा है ये 5 साल के बाद आप चेंज करोगे? अगर नहीं, सुनो अगर का दो, अरे ये अच्छा या बुरा है तुमने चेंज किया ना अभी, सुनो एक्सक्यूज मी, अच्छे है बुरे तुमने सब चेंज कर दिए, अब 5 साल के बाद तुमको सब चेंज करना है, अच्छा हो या बुरा हो करोगे? हाँ, सुनो ना, करोगे? आपने बोला ना, अरे भाई
देखो यस नो में जवाब दो, यस नो में जवाब दो ना, बात तो सुनो, अरे यस नो में जवाब दो, यस नो में जवाब दे दो, अरे तो फिर आएगा क्या तुम यहां पे, राइटिंग में लिख के दे दो, और राइटिंग में लिख के दो, लिख के दो ऑर्डर बताओ क्या मेरे को राइट है, फिर मेरे को मालूम है कंज्यूमर कोर्ट में कैसे जाके बात करने जा, मेरे बात तो सुनिए, आपने बोला आपने मीटर क्या बोला कि 5 साल के आप बात चेंज करोगे कि नहीं, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये मीटर 5 साल के अंदर कुछ फॉल्ट होता है, ठीक है, उसमें फॉल्ट ही होता है, फॉल्ट की बात है, ठीक है, अगर 5 साल तक ये ओके नहीं तो अपन नहीं चेंज करेंगे, अरे अभी आपने बोले हमको अलाउ है 5 साल में चेंज करने का, आप नहीं समझ रहे, अरे क्यों नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे, मैं यही हूं, नहीं यार अंदर होना मजा आ गई, वो सामने सामने सब बोला, वीडियो बन रहा है, मैं तुम गलत, आपने बोले ना 5 साल पर हाथ मत, नहीं आपने 5 साल बोले ना हाथ मत लगा, तुम ये मैंने चेक किया रूम नंबर क्या है, उसके घर पे जाके उसको बुलाओ, या उसको जाकर बोलो देखो मैडम आपका सर आपका ये प्रॉब्लम था इसलिए हम ये मीटर चेंज कर रहे हैं, वो बोलता ओके आप चेंज कर देते, दूसरा हो सकता है उसका सेटिंग वाला था, अरे सर आपका सेटिंग वाला है, हो सकता है आप पे केस बनेगा, अभी हम आपका मीटर चेक सर इसलिए आप क्यों नहीं कर रहे, करो ना, मैं 15 साल से बिना एसी में रहता हूँ, सुनो मैं 15 साल से बिना एसी में रहता हूँ, ये बिल्डिंग को 15 साल हो गया बिना एसी में रहता हूँ, और अगर कोई एसी यूज कर रहा है चोरी की लाइन यूज करके, मेरा बाजू वाला हो या मेरा ऊपर वाला हो या मेरा नीचे वाला हो, तो मेरी तपेगी की नहीं, जब मैं गर्मी में पसीना निकाल रहा हूँ और ये आदमी एसी में सो गया, इसका मीटर चेंज हो गया और मेरा भी हो गया, और मैं तो बराबर बिल भरा और ये आदमी ने बिल नहीं भरा, तो टोरेंट वाले ने मेरे साथ इंसाफ किया नहीं किया, तो मैं तो चुतिया बन गया, फिर मैं देखो मैं ना बहुत अदब के दायरे में बात कर रहा हूँ, और तुम्हारे मैं खाली आंसर जानना चाहता हूँ, फिर मेरे को आगे क्या करने का वो मैं जाऊँगा, वो आता है चेक करता है, अगर चोरी पकड़ता है साइड से तो उसका 2 साल का फाइन बनता है, तो अगर वो दिन भी पकड़ा गया हो, 2 दिन भी पकड़ा गया होगा या 4 दिन भी पकड़ा होगा, कब से कर रहा हूँ कंपनी का रूल है 2 साल का बिल बनता है, वो तो अपना अगर कर रहा है तो ऊपर वाला देखता है मैं क्या कर रहा हूँ, फिर आगे पकड़ाएगा, अभी तो चेंज हो गया सब, उसके बाद मान लो कि ये मीटर है ना सर, ये मीटर भी अगर टेम्पर कर देगा, टेम्पर करने वाला करेगा ही, आप ये लगा दो या कोई भी लगा दो, ठीक है, तो फ्यूचर में वो करेगा तो वो ऑलरेडी वो आएगा, अरे तुम किधर की बात किधर कर रहे हैं यार, वही आप बिजनेस, तुम मेरे को अलग कहानी सुना रहे हैं, मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि तुमको क्या राइट था सब चेंज करने का, इसमें से फॉल्टी मीटर पकड़े क्यों नहीं तुमने, अगर कोई मीटर में प्रॉब्लम था उसको जाके इन्फॉर्म क्यों नहीं किए, अगर मैं क्या हो रहा हूँ मेरा बाजू वाला मेरे ऊपर वाला मेरे नीचे वाला 15 साल से अगर एसी में था और मैं बिना एसी में जी रहा था, तो तुमने हम लोग दोनों के साथ इंसाफ नहीं किया ना, टोरेंट वाले ने इंसाफ नहीं किया, टोरेंट वाले का काम था उसको पकड़ के उसके ऊपर केस फिट करता उसको फाइन मारता, कब कर रहा है, अभी तू तो मीटर चेंज कर चुका है, नहीं देख मैं क्या बोलता हूँ, तू गलत ये गलत बोल रहा है, क्या किधर कर रहा है, कितने के ऊपर फाइन मारा, तुमने ये बिल्डिंग में बोल सर 50 मीटर है 50 ओके तो मैं मानूंगा सर ओके, राइटिंग में लिख के दे दो हमारे, और तो बस कोर्ट का ऑर्डर है मीटर चेंज करने का, वो मेरे को राइटिंग में कोर्ट का ऑर्डर दिखा, बस उसके आगे मेरे को बात नहीं करने का, ना मैं तेरा कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ और ना तेरा मेरे को कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ, मेरे को प्रॉब्लम है मेरा मीटर अभी ये निकाला ना वापस लगा 602 का लगा दो वापस, हाँ बस खत्म हो गई बात, ज्यादा बात करके मतलब नहीं, इसलिए पहले सुना और तेरी तूने भी मेरी सुना।